हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6:30 बज गए और अभी सूर्य देवता ने जो है दर्शन दे दिए तुरंत ही। ये देखिए, अभी आई थी मैं यहाँ पर पानी देने के लिए प्लांट्स में मॉर्निंग टाइम में, और इतनी तेज़ धूप होती है ये सारे जो है सूखे रहते हैं, और एक ट्रे का पालक ना पूरा सूख गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नूडल्स बन के हो गए हैं तैयार, और बस इनमें मटर और होती और बढ़िया लगते। माँ कह रही इस तरीके से बने हुए काफ़ी टेस्टी लगे। और ये देखो आरुषि, जल्दी आ जाओ, आपने बोला था ये वाला ही बनाइयो। आइए, सब्जी वाला आ गया आपके मोहल्ले, आपके गली, मेरठ वालों की मशहूर हरी ताजी सब्जियां। आलू हैं, तोरी हैं, हरी मिर्च डाल की, टमाटर, कच्चा पपीता, लौकी, बैंगन, बैंगन नीले पीले हर कलर के मिलेंगे, अपनी पसंद का कलर छांट सकते हैं बैंगनों में से। आलू बढ़िया डायमंड वाले शुगर फ्री, तोरी आ गई है भैया, पपीता, लौकी और टमाटर, बस तीन ही सब्जियां इसमें वो मिली हैं जो हमें चाहिए थी। बाकी जो चाहिए थी नहीं मिले, पर जो हैं थी वो हमें लेनी नहीं थी। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आरुषि ने अपने आज ये वाले कपड़े पहने हैं। मैंने प्रीति से बोला था कि ये वाले कपड़े कहाँ है आरुषि के। आप भी धोती कुर्ता पहनो, हगी जोर लगा लो बस। काना जी वाले पहनो, तो ये देखो आज फिर ये काना जी बनेगी आरुषि की रस्म पहनेगी। आरुषि ने धोती वाला वो पहना ना पजामा है पिस्टिक। अच्छा जी, और कुछ इन दुपट्टों का ये फायदा होता है, गर्मी ज्यादा होती है पसीना भी ज्यादा आएगा, जैसे कपड़े गीले हो गए हैं काम करते करते सुबह से, और चक्कर से भी आ जाए एक बार को, तो बार बार पंखे के नीचे जाऊं मैं, तो पानी पीऊं फिर पंखे के नीचे, पर कोई फायदा नहीं। अब किचन में जाना है, 11 बज गए और खाना अभी तक आज नहीं बना है, सब्जी भी नहीं बनी है। आज ये भी बोल दूं कि रोटी रोटी सेकनी है बस। तो जी, चूल्हा मैंने साफ कर दिया, सच्ची बताऊं तो धूप बहुत तेज है और मिट्टी के चूल्हे पर धूप आ गई है, तो मैं सोच रही हूँ गैस पर बना लेंगे। कहते हैं ना कि बच्चों की छुट्टी हो जाए तो काम जल्दी नहीं पड़ जाए, नाश्ता नहीं बनाना पड़ने का, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ये लगा बच्चे स्कूल में चले जाएं तो जल्दी काम नहीं पड़ जाए, इस टाइम तक पूरा काम निपटा के हम थोड़े से सस्ता लें फिर अपने काम पर लग जाएं। लेकिन आज के दिन तो हमें संडे वाले दिन या किसी भी छुट्टी में सस्ताना नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं, बच्चे सबसे अच्छे, बच्चों के बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में, और बच्चे ना हो तो हमारा काम इतना कैसे होगा। और ये देखो इसका अब नूडल्स में दूसरा नंबर है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा सी बनाई थी कि ये जो है बार बार खाती रहेगी। ये देखो सॉस लेगी, दही मैंने जमा दी है, और आज बनाने हैं मुझे दाल चावल, और चूल्हे को जो है सस्ताने के लिए छोड़ दिया आज। मैंने कहा चल भाई तेरी आज सुबह के नाश्ते में ही मैंने छुट्टी कर दी, कोई बात नहीं आज गैस के चूल्हे का नंबर आता है, क्योंकि वो कई दिन से सस्ता रहा। ब्रेकफास्ट भी वहीं बढ़ना, लंच भी वहीं बढ़ना, और डिनर भी वहीं बढ़ना, तीनों टाइम में उसकी तबाही अना दी बेचारे की मिट्टी के चूल्हे की। सब्जियों में आज हमने कच्चा पपीता लिया था, लौकी ली थी, टमाटर लिए थे, बाकी और सब्जियां यहाँ पे नहीं है ना कोई लेता, महंगाई इतनी है। ये तो पपीते पे भी रेट घट रहे, जय मारो में ले आया, और लौकी पे भी टमाटर पे भी। मैंने कहा और क्या बेचोगे, क्या बस लौकी और टमाटर, जो सबसे सस्ती सब्जी हो मैं तो बस वही बेचू, चाहे एक ही सब्जी मुझे लानी पड़ो रेड़ा भर के। चलो जी कोई बात नहीं, सब्जी महंगाई और ये सस्ता महंगा तो होता ही रहा है, लेकिन खाने की चीज तो खाई जाएगी चाहे वो कितनी महंगी हो। अभी खाना बनाने की तैयारी, खाने में बने गए आज दाल चावल। दाल बनेगी ये वाली जो हमारी घर की उगाई हुई दाल है, तो बस ये लास्ट रह रही है, तो माँ बोली कि आज इसे ही बना ले, और कुछ मैं बनाऊंगी रायता लौकी का। दही जो है मैंने जमा दी थी सुबह के टाइम में ही, जब तक वो जमकर और ठंडी होकर तैयार हो जाएगी जब तक मैं अपना ये खाना रेडी करूंगी। चावल भी मैंने भिगो कर रख दिए हैं, तो सबसे पहले कुकर में चढ़ा देते हैं पानी और फिर डाल दूंगी दाल। और ये वाली दाल ना बहुत जल्दी से बन जाती है, मतलब इसमें एक सीटी में ये दाल बनकर तैयार हो जाती है, इतनी अच्छी क्वालिटी है इस दाल की। खैर घर की चीज तो घर की होती है, और रेडीमेड चीजें रेडीमेड ही होती है, उसमें तो पता नहीं क्या पाउडर सा लगा रहता है हर दाल में, और जितना भी धोते हैं उतना ही वाइट वाइट निकलता रहता है इसमें से, और इसमें से छिलके के अलावा वाइट वाइट कुछ भी नहीं निकलता जो घर की दाल होती है। तो दाल भी मैंने इसमें डाल दी है, अब बस इसमें हल्का सा नमक, मिर्च और हल्दी डाल देंगे, बाकी के मसाले जब दाल में तड़का लगाएंगे ना तब डालेंगे।
फैमिली के अकॉर्डिंग ना मुझे अपनी ये मसालेदानी भी छोटे लगने लगी, क्योंकि बार बार ना इसमें मसाले करने पड़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी से ही। तो ये तीनों चीजें जो है मैंने डाल दी, और अब कुकर में थोड़ा सा डालते हैं देसी घी, ये दाल बाहर ना आए निकल कर। तो जी ये डाल दिया चम्मच हमने देसी घी, और देसी घी का ही हम इस दाल में तड़का लगाएंगे ताकि बच्चे जो है उंगलियां चाटते रह जाएं। अभी नाश्ता लेट हुआ था तो खाना भी लेट ही होगा, तो जब तक आराम से बना लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा लहसुन छील कर ना, मतलब इसकी वो मोटी मोटी की पत्तियां उतार कर पानी में डाल देती हूँ। वैसे ये आइडिया आपका बहुत अच्छा था, लहसुन की कलियां अगर पानी में डाल दे तो उनका छिलका बहुत जल्दी से उतर जाता है। माँ को भी यकीन नहीं आता, माँ एक दिन मुझे ये कह रही, उस दिन आर उसका जन्मदिन था, कि पानी में क्यों डाल ली लहसुन। मैंने कहा माँ ये आज एक बार ट्राई करके तो देखेंगे, सब कमेंट करके कहते रहे कि लहसुन को थोड़ी सी देर पानी में डाल दो, वो सारा का सारा निकल जाएगी कलियां। तो ये अंगूठे के ना नाखून नहीं रुकते, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने, थैंक यू सो मच, मुझे पता नहीं था सच में। तो इस तरीके से निकाल देना, अभी इसमें पानी में डाल दूंगी थोड़े से, और फिर जल्दी से इसकी सारी कलियां निकल जाएगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ज़्यादा समय लगता, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस तरीके से ही बस पानी में डाल कर रखना। देखो इतने ही पानी में डाल दिया मैंने से, और बस 5 मिनट में ये छीलने के लायक हो जाएगा। दोपहर के 12 बज गए, अब दोपहर कुछ नहीं, अब दिन छोटा होने लगा है, और किसी न किसी तरीके से अपने रूटीन को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और ये देखिए आज माँ का ये पिटारा खोल दिया है, और प्रीति चेक कर रही है इसमें क्या क्या माँ ने छुपो रखा है। माँ ने इसमें बहुत सारी अपनी साड़ियाँ, मतलब पहले आदमी को ऐसी आदत रहे है सिर्फ वे पहनने के लिए दो ही जोड़ी कपड़े रखे हैं, एक धो लिया एक पहन लिया, बदल बदल के पहनना है। पड़ोस की आंटी अभी कह रही है तो कमाल हो गया। अच्छा ये देखो माँ भी सही बोल रही, और ये साड़ियाँ सारी माँ की है, एक इधर रखी है। माँ आज ये ब्लाउज ढीली करवाएगी क्योंकि ये उनको फिटिंग की ज्यादा आती है, टाइट कपड़ा पहनने नहीं जाता उनपे। ये वाली साड़ी जो है तैयार करवाएगी, तो यहाँ पर जो है बक्से की चौकसाई में माँ पहुंच गई है अपने बक्से तक। क्या छुपा रखा माँ इसमें, देखो कपड़े बहुत सारे इसमें। कुछ ब्लाउज मेरी होती है जो मैं ब्लाउज नहीं पहनती हूँ, वो माँ सर्दियों में कुर्ते के नीचे पहन लेती है, और ब्लाउज रखा है इसका ऐसे ही। हाँ धोती फाड़ दी, और ये ब्लाउज ऐसे ही पड़े हुए हैं कई सारी साड़ियों के, जो बिल्कुल भी ये तो फट भी गई बताओ, ब्लाउज यहाँ पड़ा बिना सिला हुआ। माँ ये क्या कर रखा आपने बक्से में, भीड़ कर रखी बिना मतलब की। आज धोई ये उसका ब्लाउज है, इनमें से ना माँ के ब्लाउज बनते नहीं, और वैसे भी माँ पे ऐसे ब्लाउज पहने जाते, कॉटन वाले ब्लाउज ये पहनती है, और एक किया ये अभी धोती रिटायर होली, ये सब रिटायरमेंट की है। और कई बार हमें निकालने पड़े हैं। ये साड़ी गुड्डू के पापा ने बहुत दिनों पहले जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी तब ला के दी थी, साड़ी के साथ फोटो भी है, और साड़ी के साथ फोटो भी देखो, गुड्डू के पापा का पुराना फोटो कैसे लगते थे ये देखो, ये देखो जी कितने पतले थे, स्लिम ड्रीम थे बिल्कुल एकदम। अरे भैया देखो कैसे हो रही, मैं भी ऐसी हो रही, मैं भी बहुत पतली थी, मैं भी मोटी होगी, देखियो क्या छुपा रखा माँ, यो क्या है। सारी वेस्टेज चीज भी इसमें डाल रखी, 1 रुपए का सिक्का कितना भारी है, पहले जमाने का है ना इसलिए भारी है, अब के जमाने वालों में नहीं वजन होता। देख एक भी लांद का लग रहा है इसके सामने, गुड्डू देख कितना, ये इसके वजन में तिहाई का होगा देख, है ना। और ये नीलाक्षी दीदी ने ना अपना फोटो काट के इसमें चिपका रखा था, मुझे पता चिपक रहा था ना माँ इसमें, हाँ चिपक रहा था इस बक्से में, कभी उन्होंने पहले ही लगा रखा होगा इसमें चिपका के, और देखो अब कैसी हो रही है और पहले कैसी थी। ये यहाँ चिपक रहा था माँ फोटो, मुझे पता बक्से में, और ये निकल गया होगा चिपका हुआ। धीरे धीरे जो है पूरे बक्से का मसाला निकल गया है, और आज इसकी सफाई हो जाएगी, ऐसे ही होती है डीप क्लीनिंग, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी, कभी किसी चीज की कर ली कभी किसी चीज की।
दाल के साथ चावल ना बने ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दाल का कॉम्बिनेशन जो है वो चावल के साथ ही ज़्यादा मैच होता है। और ये दाल जो है बन जाएगी, तो फिर मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया था, पानी पूरा खोल गया था, तो मैंने इसमें अभी चावल जो भीगे हुए रखे थे उनका पानी उतार कर इसमें डाल दिए हैं। अब ये धीमी धीमी आँच पर बनते रहेंगे। आज मैं इनमें से पानी नहीं निकालूंगी, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही पानी कम ही डाला है, नहीं तो फिर पूरा कैल्शियम चावल का बाहर निकल जाता है मान के साथ में। और दाल भी, और जब तक मैंने ये भी तैयार कर लिया, चौंक का सामान लहसुन है और प्याज टमाटर, तो इसमें तड़का लगाने का टाइम हो गया। अभी कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने लोहे वाली, अब ज़्यादातर खाना जो है इसमें ही बनेगा। ये इसीलिए लाई गई है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते थे आप लोहे की कढ़ाई लाइए, ये वाली कढ़ाई जो है जो हमारी पुराने वाली है बड़ी सी, तो वो जो है हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। तो जी चावल आज मांड नहीं उतारना पड़ा, सारा मांड जो है इनमें ही खप गया। तो चलो जी, पानी मैंने थोड़ा ही रखा था वैसे कि मांड ना निकले। और फर्स्ट टाइम ये कढ़ाई जो मैंने गैस पर रख दी है और अब ये गर्म हो गई है, इसमें डाल दिया देसी घी। देसी घी में ही तड़का लगाऊंगी, दाल जो है एकदम डिफरेंट से मतलब टेस्ट की होनी चाहिए। कि देसी घी में तो सबसे पहले डाल देते हैं जीरा और फिर डाल देते हैं इसमें ये अदरक। अदरक को मैंने थोड़ा सा कस लिया है और खाने में ना अदरक का पता नहीं लगता इस तरीके से। अगर हम लोग काट के इसमें डालेंगे तो कोई से बच्चे के मुँह में आगे ना बोलेंगे तो अदरक भी डाल। और यहाँ पर ये कड़ी पत्ता और ये ले लिए हैं तीन चार लाल मिर्च। तो कुछ इस तरीके से आज तड़का बन रहा है दाल के लिए। और ये डालेंगे अब इसमें लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, बस हल्का सा जो है सॉफ्ट करना है। तो अब मैंने लहसुन और प्याज डाल दिया, उसके बाद में इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी और इसमें मैं कड़ी पत्ता राई ये सारी चीज़ें जो हैं डाल दूँगी और दाल का टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाएगा। अभी इस तड़के में हींग की कमी हमें महसूस हो रही है, तो हींग भी डाल देते हैं, जो कि दाल में हर प्रकार की दाल में हींग का यूज किया जाता है। सारी चीजें थोड़ी सी भून गई है तो इसमें मैं थोड़े से दाने डालूंगी राई के, इससे भी आधे ही डालूंगी, ज्यादा नहीं। सब्जी में और भी अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने गुजरात में देखा है बहुत सारी सब्जियों में राई का यूज होता है, किसी भी तरह की सब्जी कोई भी हो। इसको मीठा होता है खाना, वहाँ का ज्यादा तीखा नहीं होता है। और राई हर चीज में, पनीर को छोड़कर हर चीज में राई का यूज किया जाता है। वैसे जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए दोनों चीज़ें जो हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब डाल देते हैं इसमें ये टमाटर। अभी टमाटर को थोड़ा सा ढक देते हैं, नहीं तो इसकी खुशबू पहुंच जाएगी पड़ोसियों के घर तक। अब डाल देते हैं थोड़े थोड़े से मसाले, क्योंकि थोड़े से हमने पहले डाले थे और थोड़े से अब डाल देते हैं। जी ये तड़का हो गया है तैयार। अब ये सामान ऊपर रख दूं, नहीं तो किचन में ना भीड़ हो जाए थोड़ी सी। और अब इसमें डाल देते हैं ये वाली दाल। तो जी यहाँ पर एकदम मसालेदार दाल तड़का तैयार है हमारा। और ये नई कढ़ाई गैस के चूल्हे पर आज पहली बार ही आई है और इसने मेरे गैस की जो है हालत ख़राब कर दी है। तो देखिए खुशबू तो अच्छी आ रही है, दाल एकदम रेडी है हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी लंच का टाइम हो गया है, दो से भी ज़्यादा का टाइम हो गया और उधर मसाला डाला जा रहा। चूरन है, चूरन हाजमे वाला, चूरन बढ़िया वाला चंकी चाट मसाला। और ये है वो दाल जो आज बनाई है, मतलब बिल्कुल लजीज तरीके से। और ये रायता, और मौसम ऐसा ही चल रहा है ना, बहुत झटक झटक के निकल रहे। अच्छा पड़ा है, आजा जल्दी नीचे इधर, लास्ट में हम लोगों का ही नंबर आता है, मेरा और इनका। अब ये पता नहीं इसने खाया कि नहीं खाया, आजा भाई आजा। मैंने तो कई बार खाया रहता। आजा तो आजा आजा चावल रोटी। तो आइए जी आप भी खा लीजिए।